Hello friends, welcome once again to Nifty and Bank Nifty analysis from tradingfrap.in. सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। ये आज का कुछ 5 मिनट का चार्ट इस तरह से दिखाई दे रहा था। कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 14,543 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 14,420। तो कल का अगर वीडियो आपको देखना है तो ऊपर ही आई बटन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। तो जैसे ही निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ तो शुरू में तो यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट लेवल है इसी के पास ये हर्डल फेस कर रहा था। जैसे ही ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक कर दिया, फर्स्ट टारगेट 14,558 अचीव हुआ, सेकंड टारगेट 14,578 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ। एग्जैक्ट इसी लेवल के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया है। और जैसे यहाँ पर नीचे आया ये करेक्शन, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ। एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल के पास जो यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था उसने आगे जाके यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट किया और फिर बाउंस बैक हुआ और ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ से देखने को मिली। कैसे फिर से एक बार सेकंड टारगेट को ब्रेक किया और फिर से सेकंड टारगेट जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था उसने सपोर्ट का काम किया और फिर से ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स में कंटिन्यू होते हुए दिखाई दी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 23 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था। 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 17,250 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। अभी ये जो हम बात कर रहे हैं ये टेक्निकल लैंग्वेज है। अगर कोई फ्रेशर ये वीडियो देख रहा है तो उसको हो सकता है ये समझ में ना आए। तो हमारे यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस के लिए एक खास कोर्स है, बेसिक टू एडवांस टेक्निकल एनालिसिस। उसकी डिटेल्स हमारी इस वेबसाइट पे दी गई है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर, और तो आपको आगे की जो प्रोसीजर है वो समझा दी जाएगी। तो सबसे पहले अभी कल के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सके उसको आइडेंटिफाई करेंगे। अगर फ्राइडे का अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो यहाँ पर हमने सपोर्ट मार्क किया था, जो कि 20 EMA का सपोर्ट यहाँ पर कंटिन्यूस 2 वीक्स यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स सपोर्ट टेस्ट कर रहा है। तो 2G कैंडल्स बनने के बाद एक प्रॉबेबिलिटी होती है कि एक ज़बरदस्त ट्रेंड हमें देखने को मिले। तो सपोर्ट लिया है 2 वीक का, उसके बाद अभी यहाँ पर बाउंस बैक देखने को मिला है। डेली चार्ट में भी हमने एनालिसिस किया था, लास्ट लॉकडाउन हुआ था तभी क्या हुआ था, ये जनवरी से जब मार्केट में खबरें चल रही थी कि लॉकडाउन हो सकता है, जैसे दुनिया भर में लॉकडाउन हो रहा है इंडिया में हो सकता है, तो जब खबरें चल रही थी उस डर के कारण मार्केट गिर रहा था। और जैसे ही 24 मार्च को लॉकडाउन लगा उसके बाद मार्केट ने फिर से ज़बरदस्त तेज़ी दिखाना शुरू कर दिया। तो अभी यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, ये जो लास्ट 4 दिन का एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी लॉकडाउन बनने के बाद ये सपोर्ट यहाँ पर टेस्ट करके फिर से ज़बरदस्त तेज़ी में यहाँ पर कन्वर्ट हो सकता है। अगर ये इन तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर कन्फर्मेशन दे, ये डेली चार्ट है, ये आज का कैंडल है, कन्फर्मेशन के लिए यहाँ पर और एक ग्रीन कैंडल बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर से ये अपसाइड ट्रेंड हमें और आगे कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे सकती है। हमने RSI को भी देखा था कैसे यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्जेंस बन रहे, यहाँ पर हायर बॉटम्स बन रहे थे, ये देखिए यहाँ पर, और प्राइस एक्शन में लोअर लो, प्राइस एक्शन में यहाँ पर लोअर लोज बन रहे थे। तो ये डाइवर्जन दिखाई दे रहा था हमें फ्राइडे के वीडियो में, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इस सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर बाउंस बैक होते हुए दिखाई दे रहा है। अभी कल क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं। आर्ली चार्ट है ये, 60 मिनट का चार्ट। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पर कुछ दिनों पहले एक रेजिस्टेंस, ज़बरदस्त रेजिस्टेंस फेस किया आर्ली चार्ट में, और फिर से एक बार यहाँ पर टूवर्ड्स साउथ की तरफ एक जंप किया था। तो यहाँ पर ये जो लेवल है अराउंड 14,690, इसको कम्प्लीटली ब्रेक होने दीजिए तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजिशन बना सकते हो, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 14,717, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 14,745, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ जाते हैं तो आर्ली चार्ट में एक छोटा सा आज यहाँ पर एक फॉल था, तो उसका ये जो स्विंग लो बन रहा है यानी अराउंड 14,592, ये जो गैप बन रहा है आप देख सकते हैं, ये गैप का इनिशियल लेवल था। तो यहाँ पर 14,592 हमारा ब्रेकडाउन लेवल हो सकता है, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 14,573, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा अराउंड 14,500,
14,554 ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स है। अभी बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं। बैंक निफ्टी में भी आज ये यहाँ पर देख सकते हैं एग्जैक्ट सेकेंड टारगेट के पास अचीव होने के बाद ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी। तो जैसे हमने निफ्टी के लिए लेवल्स आइडेंटिफाई किए, सेम उसी तरह से यहाँ पर भी इस लेवल के पास आप देख सकते हैं, तो पास्ट में भी इसने कई बार यहाँ पर रेड कैंडल्स बना दिए, इस लेवल को ये पार नहीं कर पाता, हर्डल फेस कर रहा था। तो 32,898 को अगर ब्रेक करता है कंफर्टेबली तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 33,033, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 33,143, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और जैसे हमने ब्रेकडाउन लेवल को मार्क किया था निफ्टी के लिए, सेम उसी तरह यहाँ पर भी आर्ली चार्ट में एक फॉल आया था, जहाँ पर कल यानि मंडे के दिन यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस हुआ था और फिर फॉल दिखाया था बैंक निफ्टी ने। तो 32,546 को ब्रेक होने दीजिए, फिर इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और उसके बाद फर्स्ट टारगेट होगा हमारा अराउंड 32,454, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 20 EMA यानी 32,353, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है बैंक निफ्टी निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स कल के लिए यानी 20 अप्रैल। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।